हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। मैंने कुछ ऑर्डर किया था। आप सोच रहे होंगे बैक में आवाज कहाँ से आ रही है, मेरा बेबी है वही हंस रहा है। प्लीज आप लोग उसकी आवाज से बंद करिए, मेरी आवाज पे फोकस करिए। मैंने कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मुझे पसंद आया था तो मैंने ऑर्डर किया था। ये राजस्थानी ज्वेलरी है, तो क्या बोलते हैं मुझे कुछ खास पता नहीं, लेकिन सारे इसको राजस्थानी ज्वेलरी चोकर बोल सकते हैं। आप लोग को दिखाती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थानी लुक क्रिएट करूंगी, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और मेरे पास क्या बोलते उसको राजस्थानी जो मेकअप होता है, पोशाक ओढ़नी ओढ़नी है तो नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि ज्वेलरी ऑर्डर करी है तो इसके लिए कुछ तो है करना पड़ेगा। तो मेरे पास रेड कलर की साड़ी थी, आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, उसी का मैं कुछ राजस्थानी लुक बनाकर पहनूंगी। ये रेड कलर की साड़ी है, ये ब्लाउज है, और ये जो मैंने ज्वेलरी ऑर्डर करी थी वो है, ये चूड़ियां हैं, ये पूरा मेकअप का सामान, और ये आईशैडो प्लेट है। मैंने पूरा सेटअप बना के रखा है। अब हम लोग मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस पर मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करी है, उसके बाद प्राइमर का यूज़ किया है, फिर हम अपने फेस पर फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। फाउंडेशन को पूरे फेस पर लगाएंगे, नेक एरिया पे भी यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। कहीं पर भी पैचेस नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि फेस पर जब पैचेस पड़ता है तो फेस अच्छा नहीं लगता है, फाउंडेशन फट जाता है। उसको हम लोग कायदे से अच्छे से ब्लेंड करेंगे पूरे फेस पर, जैसे मैं कर रही हूँ। वैसे भी बताने की जरूरत नहीं, हम लड़कियों को तो मेकअप करना जाहिर सी बात आता ही है, क्योंकि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको मेकअप करना ना आता। फिर हम लोग ने पाउडर का यूज़ किया, मैंने लूज पाउडर का यूज़ किया है। अब हम आईज का मेकअप करेंगे। मैं रेड आईज आईरो का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर रेड है, और दोनों आईज पर करूंगी। अब मैं आईलाइनर लगाऊंगी। आईलाइनर मुझे पतला ही पसंद है, क्योंकि मुझे मोटा पसंद नहीं, मेरी आंखों पे मोटा अच्छा नहीं लगता है। मैं काजल लगाऊंगी आंखों में, बिल्कुल पतला सा काजल लगाऊंगी, ये ड्राई काजल है, मैं ड्राई काजल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में ये फैलता नहीं है। अब हम मस्कारा लगाएंगे, अब आईब्रो को भी सेट कर लेंगे पूरी तरीके से। लिपस्टिक लगाएंगे, लिपस्टिक मैंने डार्क ली है, डार्क कलर, क्योंकि मेरे फेस पर डार्क ही अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं फेस पर स्प्रे करूंगी, पूरे फेस पर स्प्रे मारूंगी। सूखने पर मैं बिंदी लगाऊंगी, बिंदी मैं सिंपल ही यूज़ करती हूँ, पत्ते वाली, मुझ पर रेड कलर की बिंदी ही अच्छी लगती है। अब मैंने जूड़ा बना लिया है, मेकअप तो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले मैं ज्वेलरी पहनूंगी, ये है नेकलेस। इसमें बांधने वाला नहीं आया तब, तो मैंने अपने हाथ से इस पर येलो कलर का धागा बांधा है, इसको मैं गले में पहनूंगी। इतना सुंदर है ये नेकलेस, राजस्थानी चोकर नेकलेस। इसमें इयररिंग्स नहीं निकली थी, ये देखिए, बट मेरे पास पड़ी हुई थी, मैच कर रही थी। मैं ये इयरिंग्स पहनूंगी, ये ज्वेलरी के साथ मैच भी कर रही है इयरिंग्स। मैं इसको कानों में डालूंगी, काफ़ी हैवी है, लग रही है देखने में आपको, बट हल्की है, मजाक कर रही हूँ मैं। मैंने इयरिंग्स पहन ली है। अब ये मैं मांग बिंदी लगाऊंगी, इसको पीछे से बांधना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोती नहीं दिया गया है। काफ़ी प्रिटी लग रहा है देखने में, इसको मैं बांध के और क्लिप से फंसा लूंगी चिमटी लगा के, ताकि ये फिसले ना। अब ये आई है नथ, हमारी नथ भी प्यारी लग रही है। मैंने नाक पे बाली पहन रखी है, इसी में मैं फंसा के डालूंगी, क्योंकि नाक की बाली अगर निकल गई तो मैं दोबारा डाल नहीं पाऊंगी। इसको मैंने नाक में फंसाया, और ये कान के पीछे से ले जाके मैं इसको टाइट करके लगाऊंगी। ये मेरी पूरी ज्वेलरी कंप्लीट हो गई, मैंने पहन दी है, देखिए कैसा लुक आ रहा है। अब हम साड़ी पहनेंगे, साड़ी को लहंगे की तरह पहनेंगे। मैंने लहंगे की तरह साड़ी चारों तरफ अपने प्लेटें बनाकर, लहंगा बनाकर पहना है इसको। और ये मेरे पास अलग से चुनरी पड़ी थी रेड कलर की, इसको मैं ओढ़नी बनाऊंगी। साइड से एक कोना लेके सेफ्टी पिन लगाऊंगी, और एक इधर सेफ्टी पिन लगाऊंगी, बॉर्डर को छोड़ दूंगी, बॉर्डर पे सेफ्टी पिन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये जो सर पे आएगा ये लुक बहुत प्यारा लगेगा, पूरा राजस्थानी लुक लग रहा है। इसको मैं कमर में अपने लगाऊंगी, ये जो लेस है ये हमारे सर पे आनी चाहिए। कितना फाइनली कितना प्यारा लुक आ रहा है, कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।